कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में सूरजमुखी न बिकने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि वे सूरजमुखी की रखवाली करते करते परेशान हो चुके हैं। सूरजमुखी बेचने आए किसान शहबाद निवासी अमनराज ने कहा कि सरकार की बदनीतियों के कारण किसान सूरजमुखी बेचने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। थोड़ी बहुत सूरजमुखी खरीद कर ही अधिकारी हाथ खड़े कर देते हैं कि उनका कोटा पूरा हो गया। ऐसे में किसान अपनी फसल को किसे बेचे। जब दूसरे किसान जमालपुर निवासी राजवीर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वे कई दिनों से अनाज मंडी में अपनी फसल को लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी फसल का कोई खरीदार नहीं आया। वे भूखे प्यासे रहकर अपनी फसल की रखवाली कर रहे हैं। जब इस बारे में सचिव मार्केट कमेटी राहुल मेल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि एजेंसी को सूरजमुखी की खरीद करनी है। तो कहाँ से आए हो आप? जमालपुर से आए जी। कौन सी फसल लेके आए? सूरजमुखी जी। तो कितने खेत की लेके? 5 एकड़ की लेके आए जी। तो कितने दिन से सूरजमुखी आपके यहाँ? जी कितने दिन से आए हुए हो? 2 दिन के, एक आज ही आए हम तो जी। अच्छा हाँ जी। तो क्या बिक नहीं रही अभी? ना बिक नहीं रही जी, मार्केट कमेटी में कहीं फिर जाए तड़के जी। अच्छा तो ऊपर तार देश आओगे जी भी मिलेगा गेट पास भी जी। फिर वहाँ गए थे जी, उसमें मैसेज आओगा जी भी आओगे। क्या नाम है आपका? राजवीर। मेरा नाम अमनराज है जी। मैं शाहबाद से आया हूँ सूरजमुखी बेचने के लिए। शाहबाद में भी नहीं बिक रही। मैं कल सवेरे 5 बजे से यहाँ हूँ और कल भी सारा दिन बैठे रहे हैं जी। ये बोल रहे थे कि खरीद बंद है। जब दूसरे जमींदारों की बिक गई है, अब हमारी लेट थी, तो इसका मतलब हम कहाँ जाएँ? किसको जाके बोले? अगर हम रोड जाम करेंगे या कुछ करेंगे तो बोलेंगे जमींदार गलत काम करते हैं। हम कहाँ जाएँ? कितने खेत की लेके आए? मेरे पास 8.5 खेत की है। तो क्या सरकार ध्यान नहीं दे रही? कोई ध्यान नहीं है। कोई यहाँ खाने का, कोई पीने का कोई इंतजाम नहीं है। नहीं हम फसल छोड़ सकते, नीचे पड़ी है। यहाँ बार बार जानवर आके परेशान कर रहे हैं। गायें इतनी घूम रही हैं और हम यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं। आपको गेट पास मिल गया? नहीं जी, गेट पास भी नहीं दिया। बोल रहे हैं खरीद ही बंद है। और हम वहाँ भी हमारे आदमी गए थे अपने SDM के पास, वहाँ पर भी बोल के आए। वो भी बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, हम आज का नाम ले रहे थे भी, कल हम कट्टर जी से बात करके कुछ ना कुछ हल करेंगे। तो मार्केट कमेटी में कब कह रहे कब खरीदेंगे? मार्केट कमेटी वाले कह रहे जब पीछे से ऑर्डर आएगा तब खरीदेंगे। हमारे को कोई कुछ नहीं बता ही नहीं रहा जी। अभी हम बोल रहे हैं कि हमारा माल लोड कर दो, फिर हम घर ले जाएं और क्या करें।